आज हमारे दो कार्यक्रम थे। एक तो हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम था रसगन गांव के अंदर, जहां एक हॉल का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। दूसरा हमारा आज जाटी गांव के अंदर करीबन 15 लाख रुपए की दो गलियों का हम लोगों ने यहां पर शिलान्यास किया है। और हमारी ये कोशिश रही है जितना हो सके विकास कार्य पूरे रेवाड़ी विधानसभा के अंदर हम लोग कराएं, और सत्ता के अंदर ना होने के बावजूद भी मेरी ये कोशिश रही है कि जितने भी हमारे गांव हैं, शहर हैं, जितना विकास कार्य हम करा पाएं वो मेरी सोच है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये वादा किया था वहां की जनता से कि 450 रुपये के अंदर वहां की जनता को गैस का सिलेंडर मिलेगा, और अब जब जवाब लगाया गया राज्यसभा के अंदर तो उसके जवाब में आया कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है वहाँ 450 का गैस का सिलेंडर देने का। तो मुझे लगता है आज वहाँ की जनता भी ये समझ चुकी होगी कि हमने कितनी बड़ी भूल करी वहाँ सरकार ना बनाकर, जो एक 25 लाख रुपए की जो योजना थी चिरंजीवी योजना, जिसको उन लोगों ने बंद कर दिया। मुझे लगता है एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह से सफ़ेद झूठ बोल देता है। इसी तरह का झूठ उन्होंने रेवाड़ी की जनता से भी किया था 2019 के अंदर, जब 2015 में स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स बनेगा। फिर 2019 के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर चुके। आज 4 साल बीत जाने के बाद 2024 आ गए, उसके अंदर कोई काम ना हो पाना दर्शाता है कि यहाँ की जनता को आज कोई विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री की बातों के ऊपर। देखिए, अपमान तो सही मायने में हुआ है, वो देश के किसानों का हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से चिलचिलाती धूप के अंदर और थरथराती ठंड के अंदर किस तरह से हमारे किसान जो हैं रोडों पर बैठने पे मजबूर हुए। हमारी जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके साथ कितना अपराध हुआ, कितने गंभीर आरोप उन लोगों ने लगाए, उनको अपने मेडल तक वापस करनिए पड़े। मुझे लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों की जब इतना अत्याचार हो रहा है उसके अंदर भी कोई चीज़ों को ना कर पाना, ये दर्शाता है कि सरकार को कोई सरोकार नहीं है लोगों से। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। कल मैं देख रहा था सुधा यादव जी रेवाड़ी कल आई, उन्होंने लोगों के बीच में ये बात कही कि अब तक आप गलत लोगों के पास जा रहे थे एम्स बनवाने के लिए, अब आप सही जगह आए हैं, अब आपका एम्स बन जाएगा। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा इनके अंदर कटुता आपस के अंदर है, ये जनता को किस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ मुझे लगता है अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है। हम यहाँ पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी और विधानसभा के अंदर मेहनत कर रहा है, सबका लक्ष्य एक ही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, खड़गे जी को मजबूत किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जो हमारी चेयरपर्सन है, उनको मजबूत किया जाए, और लोगों की जो आवाज़ है सही मायने में आज जो लोग हैं वो इस सरकार से दुखी हैं। चाहे आपको महंगे दरों के ऊपर बिजली मिल रही है, आज सही समय पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई है, उसके लोग त्रस्त हैं। उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में जनता इसका जवाब देने का काम करेगी। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं 2024 के अंदर जो झूठ उन लोगों ने बोले, कितने साल तक लोगों को बरगलाया कि एम्स रेवाड़ी के अंदर बनेगा, आपके जो बस स्टैंड का इन लोगों ने वादा किया था रेवाड़ी और धारड़ा के अंदर बनेगा, बॉयज़ कॉलेज का इन लोगों ने वादा किया था वो इन लोगों ने नहीं बनाया, जो आज सड़कों की हालात ख़राब है शहरों में आप सब लोगों ने भी देखा है, गऊ माँ की हमारी क्या दुर्दशा है, महंगाई कितनी ज़्यादा पिछले 9 साल से लोग जो सह रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा जितना भ्रष्टाचार आज नगर परिषद में है, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। NDC के नाम पर जो लूट इन लोगों ने मचाई, रजिस्ट्रियों के नाम पर जो इन लोगों ने लूट मचाई, उस सभी लूट के ऊपर हम इन चुनावी मुद्दों के ऊपर अपना चुनाव